हेलो एवरीवन, आज हम परीक्षा वाणी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि 30 वर्षों से पूछे गए हैं हर एक परीक्षा में। यूपीएससी के लेवल का परीक्षा हो, चाहे स्टेट पीसीएस का कोई परीक्षा हो, एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, रेलवे का कोई एग्जामिनेशन हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जामिनेशन है, सारे परीक्षाओं को लेकर के 30 वर्षों के प्रश्न को परीक्षावाड़ी में वन लाइनर के क्वेश्चन के तरीके से दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके सभी परीक्षाओं के लिए, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए और उसके बाद भी जो आने वाले एग्जामिनेशन है उन सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था परीक्षावाणी से, इससे पहले मैंने हिस्ट्री को कवर किया हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर किया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी को मैंने कवर किया हुआ है, बॉटनी को मैंने कवर कर दिया है, तो वो सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन सारे प्रश्नों को आप जरूर से देखिए परीक्षा देने जाने से पहले। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं तो क्वेश्चन आपके कोई भी नहीं फंसेंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पहला प्रश्न है। अंगल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? आंसर होगा 1600 ईस्वी के चार्टर से। अंगल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव 1600 ईस्वी के चार्टर से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया है? सन 1726 के राजलेख के द्वारा, सन 1726 के राजलेख चार्टर द्वारा। अगला, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? पार्षद थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉन्सन एवं बर्बेल। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति उत्तरदायी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा उस मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो 4 सदस्य थे, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वारेन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास को युग प्रवर्तन काल किसने कहा था? इल्बर्ट ने कहा था। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था? 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? लॉर्ड कार्निवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? 1784 में लगाया गया पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? 1793 का राजलेख के तहत किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस राजलेख के द्वारा प्रदान किया गया था?
1813 का राजलेख। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस देना किस चार्टर के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ये अनिवार्य कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को किस अधिनियम के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस राजलेख द्वारा भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? 1813 के राजलेख के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1833 के राजलेख के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के राजलेख के द्वारा किया गया। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत ये स्वतंत्रता प्रदान की गई। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीयकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? 1833 के राजलेख में दिखाई देता है। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी अधिनियम घोषित किया गया। 1843 ईस्वी में इस पर रोक लगा दी गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1833 के अधिनियम के तहत किया गया। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। भारत का संवैधानिक विकास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में 1773 से 1853 तक कानून बने। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में 1858 से 1947 तक सारे एक्ट बने। तो 1773 से 1853 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना। उसके बाद उसमें सुधार के लिए पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। 1773 से 1853 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये सारे भारत में कानून बने। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, वेवेल योजना 14 जून 1945, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947। 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में सारे कानून बने। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1853 तक कानून बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिकीय एवं विधायी कृतियों को पृथक कर दिया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख के द्वारा लागू किया गया? 1853 के राजलेख के द्वारा। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? 1853 में। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा किया गया। भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई?
भारत मंत्री या भारत सचिव एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद में। भारत परिषद के सदस्यों 15 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था, जिसमें कि 15 सदस्य होते थे। 8 सदस्य सम्राट के द्वारा नियुक्त होते थे और 7 बोर्ड के डायरेक्टरों के द्वारा। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया, 1858 के अधिनियम के द्वारा। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, 1858 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया, 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के नवंबर 1858 की घोषणा को भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी, 1861 के अधिनियम के द्वारा पड़ी। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, वायस राय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में दृष्टिगत हुआ था, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय विधान परिषद सदस्यों को मिला था, भारतीय परिषद अधिनियम 1852 के तहत मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे कानून वाले क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, 1892 के द्वारा। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के द्वारा किया गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था, सर अरुणडेल समिति के द्वारा पारित किया था। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था, अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना, और इसके तहत भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, फूट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था, 1909 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन कौन थे, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी थे। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया, 1919 के द्वारा। द्वैत शासन के जन्मदाता कौन थे, लियोनेल कार्टिस थे, अपनी डायक्री नामक पुस्तक में। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। द्वैत शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था, सर अलेक्जेंडर मुडीमैन। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया, 1919 में बंद कर दिया गया। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया, 1919 में दिया गया महिलाओं को मताधिकार। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया।
कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? भारत शासन अधिनियम 1935 प्रस्तावना विहीन था, 1919 की अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में वर्णित था? भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित था। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, संघात्मक सरकार की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, फेडरल न्यायालय की स्थापना। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए 1937 के विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? मद्रास में प्राप्त किया था, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम में उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? स्वायत्त शासन व्यवस्था लागू की गई, स्थापित की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस रूप में किया गया? तीन सूचियों के रूपों में किया गया। कौन कौन सी? संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय हैं, संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय हैं। तीन सूचियों में, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेडरल यानी संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ये अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1935 वाला। भारतीय विधायिका सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाई गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनीय बनाई गई। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रेरित है। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था भारत का संघीय न्यायालय। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया, बिहार में, बंगाल में, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई एवं मद्रास में। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको किनको शामिल कर लिया गया था? इसमें आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को, यूरोपियों को और हरिजनों को शामिल कर लिया गया। संविधान निर्माण हेतु निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि उसकी भारत विभाजन की मांग और संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 में आया था, 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पेंथिक लॉरेंस थे जो कि भारत सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना प्रमुख था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में लगभग कितनी सदस्य संख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? 10 लाख की जनसंख्या पर, लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया गया, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। संविधान सभा में सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? सामान्य, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितने निश्चित की गई थी? 389, 398 की गई।
ऐसी कौन सी रियासत थी जिसकी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद, हैदराबाद रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, किसका कथन है ये? महात्मा गांधी का। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में किसे शामिल नहीं किया गया था? बी आर अम्बेडकर और अब्दुल कलाम आजाद को शामिल नहीं किया गया था। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? एमन रॉय ने किया था। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर, जो कि 1946 में हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल कौन किस पद पे थे उसको जानिए इस बॉक्स के जरिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे, कॉमनवेल्थ संबंध और वैज्ञानिक शोध थे, शोधकर्ता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री। सी एच भाभा वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। आर के षणमुख चट्टी वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री और एन वी गाडगिल कार्य खदान तथा ऊर्जा मंत्री। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल था, कौन कौन किस पद पे थे? ध्यातव्य है कि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1958 तक ही थे। इसके पश्चात कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? 208 सीटों पर जीत मिली थी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। किस योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार किया गया था? माउंटबेटन योजना के द्वारा। 30 जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? क्लीमेंट एटली ने किया। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। प्रीवी काउंसिल थी वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? संयुक्त प्रांत के थे। कितने? 55 थे। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर मद्रास और बिहार था। मद्रास के 49 और बिहार के 36 थे। संविधान की पांडुलेखन समिति यानी प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष थे, एन गोपालास्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र थोड़े समय के बाद हटाए गए और इनके स्थान पर एन माधव राव सदस्य बने थे, बी एल मित्र की जगह पे। और डी पी खेतान इनकी तुरंत ही मतलब अचानक ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो ये है प्रारूप समिति के सदस्य जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। कब भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। ध्यातव्य है कि डॉक्टर अंबेडकर 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, लेकिन भारत के विभाजन उपरांत वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, अतः बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के एम आर जयकर से रिक्त करा करके उपचुनाव के द्वारा अंबेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया।
1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग ने। प्रधानमंत्री बने थे H.S. सुहरावर्दी। नेक्स्ट, संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? मैसूर से थे। मैसूर से 7 थे प्रतिनिधि और द्वितीय स्थान पर त्रावणकोर, जहाँ से 6 थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा में वयस्क मताधिकारी को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना आजाद ने कही थी। कथन है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। कथन सही है पर कारण गलत है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थगित सॉरी 1935 के भारत सरकार के अधिनियम भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन व जगजीवन राम में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात वो संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया था? 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। संविधान सभा के विभाजन यानी पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 324 सदस्य थे। भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 सीमा आयोगों का गठन कब किया गया था? 30 जून 1947 को किया गया था। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर रेडक्लिफ थे। भारत मंत्री यानी भारत सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया था? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? 1947 में समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्र कुल के एक अधिराज का। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब और कहाँ पे हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? कुल 8 अनुच्छेद थे उद्देश्य प्रस्ताव में। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे। नोट, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उपसमितियां थी। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी और अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया? 22 जनवरी 1947 को। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य DP खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर किसे सदस्य बनाया गया था? T. कृष्णावचारी को बनाया गया था।
टी कृष्णामचारी को खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यातव्य है कि सरदार पटेल अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी एन राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? अक्टूबर 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 14 अगस्त 1947 को। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। अधोलिखित सुमेलित है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे टी टी कृष्णामचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा अशोक चक्र को राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्बलेम कब अंगीकृत किया गया था, कब एडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत पाक विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घट करके कितनी रह गई? 299 रह गई, 229 प्रांतों से व 70 देशी रियासतों से। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया था? 3 वाचन के बाद। प्रथम 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, द्वितीय 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तृतीय 14 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1949 तक। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 11 अधिवेशन हुए थे, किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर 12 बैठकें हुई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया था? 114 दिन विचार विमर्श किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, कब एडॉप्टेड किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थाई अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभुत्व संविधान सभा घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को संप्रभुत्व संविधान सभा घोषित किया गया। अगला है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था इसलिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। अधोलिखित कथन सत्य है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रध्वज के बीच चक्र में 24 तिल्लियां हैं। राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। कथन, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण इसको एक गृह संविधान कहा गया है। तो ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां एवं भाग थे? तो मूल भारतीय संविधान में कुल 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट थे। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। भारतीय संविधान में उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया था।
अनुच्छेद 394 के तहत। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? जी ऑस्टिन का। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राय। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट चैप्टर है जिससे कि हम क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, वो है उद्देशिका तथा विशेषताएं, यानी प्रीएम्बल एंड फीचर्स। किस वाद में ये कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? इंड्री बेरुबारी के मामले में 1960 का। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? उद्देशिका को कहा जाता है। किस मामले में ये कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, साम्राज्यवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? सही भाव है भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता तथा गणराज्य में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो साम्राज्यवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता सम्मिलित नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। अधोलिखित सभी भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ब्रिटेन में। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। लिखित संविधान, एकल नागरिकता, स्वतंत्र नगरपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन में से कौन भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? एकल नागरिकता संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के स्रोत हैं। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उनकी अच्छी बातों को, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, निसंकोच ग्रहण किया। वैसे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन पद्धति द्विसदनी व्यवस्था, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो कि अनुच्छेद 75 के 3 में दिया हुआ है, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना, ये सारे ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। एकल न्याय प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है 1937 में? राज्य की नीति निदेशक तत्व, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन, तो कुल सदस्यों का मनोनयन जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति,
इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से 1789 में मूल अधिकार लिया गया है, उद्देशिका का विचार लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया चलती है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका जो हमारा है ये भी स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोक हित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, ये सारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है 1901 में, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, बहुत इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सारी चीज़ें कनाडा के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है, अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान की संशोधन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया है, सोवियत संघ यानी रूस, मूल कर्तव्य, ये सोवियत संघ से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है मूल कर्तव्य, और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श जो कि सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से 1946 में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, जर्मन के वीमर संविधान से 1933 में आपात उपबंध, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, जर्मनी के वीमर संविधान से आपात उपबंध लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में अधोलिखित सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, जनता को सरकारों को चुनने का और बदलने का अधिकार है, ये है भारत में प्रजातंत्र का तथ्य। कारण है, कथन है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, कारण उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, तो दोनों ही ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, कारण भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, केसी वियर का। ये किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान एक परिसंघीय संविधान है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे, आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हुए थे। किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, केसी वियर ने कहा था। कथन, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, कारण भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण है,
केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान की उद्देशिका के संबंध में अधोलिखित सभी कथन सत्य हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोक्त्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य यानी जस्टिएबल नहीं है, इसका संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाता है। ध्यातव्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। ये न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान के आमुख यानी प्रीएम्बल का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का प्रमुख बिंदु है न्यायिक समीक्षा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। अधोलिखित सुमेलित है। विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है। अधोलिखित सुमेलित है। मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से, जो कि आपका यूके है, तो ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, हम भारत के लोग। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किन दो देशों में पाई जाती है? भारत और यूएसए में। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। अगला टॉपिक जिससे हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद एक में किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संघ विदेशी राज्य क्षेत्र अर्जित कर सकता है? अनुच्छेद एक के तीसरे के खंड ग में। संविधान लागू होने के समय संघ से संबद्ध राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? राज्यों की चार श्रेणियां थी अ, ब, स, द। संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम क्या है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई श्रेणियां कितनी थी? राज्यों की निर्धारित की गई श्रेणियां दो थी, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। यद्यपि ये संविधान संरचना की दृष्टि से परिसंघीय हो सकता है परंतु कुछ निश्चित उद्देश्यों से प्रारूप समिति ने इसे संघ कहा है। ये विचार किसने व्यक्त किया है? ये विचार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने व्यक्त किया है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है?
भारत की देन है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ किस देश से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? प्रथम सूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ पे किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति किसको प्रदान की गई है? संसद को प्रदान की गई है, जिसके बारे में अनुच्छेद दो के तहत संसद को प्रदान की गई है। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य तथा संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। सिक्किम भारत का एक सह राज्य है, यानी एसोसिएट स्टेट बनाया गया था किसके द्वारा? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम भारत का एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। अन्य सदस्य KM परिकक्कर और HN कुंजरू थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्य और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का। भारतीय संविधान के तहत संघ के अंतर्गत कितने प्रकार के क्षेत्र शामिल किए गए हैं? 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल किए गए हैं। पहला राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा 25वां राज्य का दर्जा दिया गया है किसको? गोवा को दिया गया है 25वां राज्य का दर्जा। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 22वां राज्य का दर्जा किसको दिया गया है? सिक्किम को दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। पौंडीचेरी को संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में शामिल किया गया? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करने वाला भाग कौन सा है? संविधान की प्रस्तावना है। जो संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है वहां संविधान निर्माताओं के आशय को जानने के लिए किसका अध्ययन करना आवश्यक है? प्रस्तावना का अध्ययन करना आवश्यक है। किस अनुच्छेद के तहत भारत द्वारा अर्जित कोई राज्य क्षेत्र किसी वर्तमान राज्य में सन्निविष्ट किया जा सकता है? अनुच्छेद 3 के खंड क या 3 के खंड ख के तहत। किसी नए राज्य को गठित करने अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधेयक को पारित करने हेतु संसद में किस प्रकार का बहुमत अपेक्षित होता है? सामान्य बहुमत अपेक्षित होता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 के अधीन राज्यों के संबंध में संसद को कितनी और कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? तो संसद को 4 शक्तियां प्राप्त है। संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन संबंधी कोई विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किए जाने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक होगी? राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। ऐसा विधेयक जिसमें किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन प्रस्तावित है, राष्ट्रपति द्वारा किसको विचारार्थ भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल को विचारार्थ भेजा जाएगा। नेक्स्ट, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं लद्दाख प्रवर्तन में कब आए? 31 अक्टूबर 2019 को आए। किस संविधान संशोधन द्वारा बेरुबाड़ी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा सौंपा गया है? आंसर इसका दिया ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आंसर मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगी। नए राज्यों का गठन, राज्य है और ये गठन वर्ष है। आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर
आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में, गुजरात का 1960 में, नागालैंड का 1963 में, हरियाणा का 1966 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का 1972 में, सिक्किम का गठन हुआ था 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का 1987 में, छत्तीसगढ़ का नए राज्य के रूप में गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को, झारखंड का 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना का 2 जून 2014 को। नए केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, जिसका गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019, लद्दाख का 31 अक्टूबर 2019, दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली का 26 जनवरी 2020 को गठन हुआ। भारतीय संविधान के भाग हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 में दिया हुआ है। नागरिकता के बारे में जो उपबंध है वो आर्टिकल 5 से 11 तक में है। मौलिक अधिकार के बारे में 12 से 35 में है। नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में है और मूल कर्तव्य भाग एक में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है जिसके बारे में आर्टिकल 1 से 4 में दिया हुआ है। भाग दो में नागरिकता है जिसके बारे में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया है। भाग तीन में मौलिक अधिकार है जिसके बारे में अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। नीति निदेशक तत्व भाग चार में दिया है संविधान के और आर्टिकल 36 से 51 नीति निदेशक तत्व के बारे में उपबंध है। भाग चार का नीति निदेशक तत्व के बाद फिर एक अमेंडमेंट करके जोड़ा गया मूल कर्तव्य को जिसके बारे में आर्टिकल 51 क में दिया है। संघ भाग चार पाँच में है जिसके बारे में अनुच्छेद 52 से 151 में दिया है। भाग छः में राज्य है, अनुच्छेद है 152 से 237। भाग सात में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं, आर्टिकल 238 जो कि निरसित है। भाग आठ में संघ राज्य क्षेत्र के संघ राज्य क्षेत्र है भाग आठ में जिसके बारे में अनुच्छेद 239 से 242 में है। भाग नौ में पंचायतें हैं जिसके बारे में आर्टिकल 243 क से र तक दिया हुआ है। इसके बाद पंचायत के बाद अमेंडमेंट करके नगर पालिकाएँ जोड़ा गया है तो भाग नौ क में नगर पालिकाएँ हैं और इसके बारे में उपबंध है अनुच्छेद 243 त से 243 य छ तक। इसके बाद फिर से नौ ख सहकारिता समितियां, तो भाग नौ ख में सहकारिता समितियां हैं जिसके बारे में अनुच्छेद 243 य ज से य न तक दिया है उपबंध। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुच्छेद 244 और 244 क में। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद है, अनुच्छेद 264 से 300 क तक। भाग 13 में संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दिया है जिसके बारे में आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक चर्चा है। भाग 14 में संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं हैं, अनुच्छेद 308 से 323 में है। 14 क में अधिकरण है, अनुच्छेद 323 क, अनुच्छेद 323 ख। भाग 15 में निर्वाचन है जिसके बारे में अनुच्छेद 324 से 329 तक दिया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है और अनुच्छेद 330 से 342 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध के बारे में दिया है। भाग 17 में राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 में प्रक्रीड़न है, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन है जिसके बारे में आर्टिकल 368 में उपबंध है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है, अनुच्छेद 393 से 395। तो टोटल संविधान में 22 भाग है, 355 अनुच्छेद हैं।
तो किस संविधान संशोधन में बेरुबाड़ी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया? 9वें संविधान संशोधन के द्वारा बेरुबाड़ी पाकिस्तान को सौंपा गया। कथन है, किसी करार के तहत किसी भारतीय भूभाग को विदेशी सरकार को अध्यर्पित किए जाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना आवश्यक है। कारण, अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुनर्नियोजन की व्यवस्था करता है। तो ए और आर दोनों सही हो और आर एक की सही व्याख्या है। जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल किया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था। हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया था? पुलिस कार्यवाही के द्वारा। कथन है, भारत संघ नहीं है। कारण, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। किस अधिनियम के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य और विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में। वर्तमान में देश में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में देश में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है। कौन कौन से? उत्तर, मध्य, पूर्वीय, पश्चिमी और दक्षिणी। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में किन्हें शामिल किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय मंत्री, संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए गए 2 अन्य मंत्रियों को शामिल किया जाता है। दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश कब बने हैं? 26 जनवरी 2020 से बने हुए हैं। अगला टॉपिक है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। भारतीय संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? एकल नागरिकता की। भारत में एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मीमल सिंघवी। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद के द्वारा पारित किया गया? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर। दोहरी नागरिकता किस आधार पर प्रदान की जाएगी? प्रवासी भारतीय के आवेदन पर। दोहरी नागरिकता वाले प्रवासियों को कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होने वाले निर्वाचनों में भाग लेने अथवा मतदान करने तथा रोजगार का अधिकार नहीं होगा। लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार के द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? 7 वर्ष। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंधों की विवेचना किस भाग में मिलती है? संविधान के भाग 2 में मिलती है। नागरिकता संबंधी कुछ विशेष संरक्षण किन्हें प्रदान किए गए हैं? जनजातीय क्षेत्रों को प्रदान किए गए हैं। अधिवास द्वारा नागरिकता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 5 में। किसी व्यक्ति के नागरिक बनने के लिए अधिवास के साथ ही क्या आवश्यक है? न्यूनतम 5 वर्ष तक देश में निवास। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? दोहरी नागरिकता को OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहा जाता है। अवयस्क का अधिवास पिता का अधिवास होता है तथा पत्नी अपने पति के अधिवास का अनुसरण करती है। ये किस वाद में विनिश्चित किया गया है? ये करी मुनिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। विधवा अपने पूर्व पति का अधिवास तब तक रखती है जब तक वो स्वयं इसे परिवर्तित ना कर दे। ये किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया है? प्रकाश बनाम साहनीवाद में। पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। पाकिस्तान से भारत आने वाले तथा भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए अनुज्ञा पद्धति लागू किए जाने की तिथि क्या थी? 19 जुलाई 1948। भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 के तहत किस तिथि के पश्चात भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा? 1 मार्च 1947 को। सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रव्रजन शब्द की व्याख्या की है? शन्नोबाई बनाम मंगल सेन के। भारत में जन्मे लेकिन विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों के अधीन नागरिकता के अधिकार देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है?
अनुच्छेद 8 में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 9 में किया गया है। संविधान लागू होने के पश्चात किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित किए जाने के मामले में विनियमित करने वाला कानून कौन सा है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। जन्म से, आवर्जन या वंश परंपरा से, राष्ट्रीयकरण से, देशीयकरण से और भूमि के अर्जन के द्वारा। नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन होगा। ये किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 10 में। संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति तथा तत्संबंधी अन्य विषयों के संबंध में विधि निर्मात्री शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 11 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्ष 1946 ईस्वी में किए गए संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए उपबंध में क्या प्रावधान किया गया है? ये प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या फिर पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य बना दिया गया। नागरिकता कानून संशोधन 1992 के द्वारा नागरिकता अधिनियम में जोड़ा गया उपबंध क्या है? वो उपबंध है, भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे वंश परंपरा से भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। नागरिकता कानून संशोधन 1992 के पूर्व भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे के भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक था? उसके पिता का भारतीय नागरिक होना। भारत सरकार किन व्यक्तियों के लिए देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की स्थिति में आवश्यक शर्तों में छूट दे सकती है या उन्हें लागू नहीं करेगी? विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति अथवा मानवीय प्रगति हेतु विशिष्ट सेवा करने वाले व्यक्तियों के लिए। भारतीय क्षेत्र में नया भूभाग सम्मिलित किए जाने पर कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे? वो व्यक्ति जो भारत सरकार की विज्ञप्ति में एतर्थ उल्लिखित होंगे। वे व्यक्ति जो भारत सरकार की विज्ञप्ति में एतदर्थ उल्लिखित होंगे। कितने प्रकारों से भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है? 3 प्रकार से। कौन कौन से? विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता का त्याग करने पर, सरकार के द्वारा वंचित किए जाने पर। किन आधारों पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? भारत से निरंतर 7 वर्षों तक बाहर रहने पर, भारतीय महिला द्वारा किसी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने पर, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा प्रदर्शित ना करने पर, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा प्रदर्शित ना करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर और पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत अधोलिखित भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता है एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी और एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है लेकिन पितामह या पितामही, मातामह या फिर मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक था और एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों के साथ। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत किन समुदायों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा? 6 समुदायों। कौन कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में कब प्रवर्तन में आया? 10 जनवरी 2020 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी एजेंसी ने मार्च 2020 में भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है? UNHCR यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने। अगला टॉपिक जिससे कि हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे वो है फंडामेंटल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मूल अधिकार। संविधान में मूल अधिकार किस भाग में उल्लिखित है? भाग 3 में, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया है। संविधान में मूल अधिकार किन पर निर्बंध स्वरूप है?
राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर। मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वाद्य योग्य है। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, किसमें? आपातकालीन की स्थिति में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। कथन, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो ये और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसके बारे में आर्टिकल 32 में उपबंध है, और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 में है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर्वप्रथम मूल अधिकारों को पूर्ण संवैधानिक स्तर प्रदान करने वाला देश कौन है? अमेरिका। मूल अधिकार किस प्रकार के अधिकार माने जाते हैं? संविधान प्रदत्त अधिकार माने जाते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों के। अनुच्छेद 12 के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द का प्रयोजन किस भाग के लिए है? संविधान के भाग 3 के लिए है। संविधान में समानता के अधिकार का उल्लेख करने वाले अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 5 है, जिसके बारे में आर्टिकल 14 से 18 तक दिया है। वर्तमान समय में संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है यानी विधिक अधिकार है। नेक्स्ट, मूल अधिकार। अब इस बॉक्स में मूल अधिकार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के पहले के खंड च और अनुच्छेद 31 में वर्णित है। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के खंड च और अनुच्छेद 31 में वर्णित है। जब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार है, अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। वो 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, जिसके बारे में आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक इसके बारे में उपबंध है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है? 7 मौलिक अधिकारों का। वो संविधान संशोधन जिसे संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया है, वो कौन सा अधिनियम है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। संपत्ति के अधिकार को संविधान के एक भिन्न रूप में समाविष्ट करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 300 क। मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। गैर नागरिकों को भी प्रदत्त मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26 और 28। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, किसके द्वारा? जिसके बारे में मूल अधिकार में दिया है अनुच्छेद 21 क में। वो अनुच्छेद मूल अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। वो अनुच्छेद जिन्हें साथ मिलाकर के पढ़ने से प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्राप्त है, वो आर्टिकल 14 और 16 को है। कौन कौन से सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं? आच्छादन का सिद्धांत, पृथककरणीयता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके द्वारा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाया गया है, वो है आर्टिकल 14।
अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के तहत क्या क्या सम्मिलित है? भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था। भारत में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, जिसके बारे में अनुच्छेद 30 में है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, जिसके बारे में आर्टिकल 368 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत संसद। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारती के वाद में। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 के क के खंड क के तहत। अनुच्छेद 19 फर्स्ट के खंड क के तहत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत। मद्रास राज्य बनाम चंपाकर देराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार, अनुच्छेद 15 के 4 के तहत। संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व भारत में प्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वे भाग 3 के उपबंधों के असंगत है। उक्त उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 13 के फर्स्ट में। न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 13। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन न्यायालयों को प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। न्यायिक पुनर्विलोकन का कार्य न्यायालयों की किस अधिकारिता के तहत आता है? साधारण अधिकारिता के तहत आता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 15 के 3 में। किस अनुच्छेद में लोक सेवाओं में अवसर की समानता के सामान्य नियम उपबंधित हैं? अनुच्छेद 16 के पहले और अनुच्छेद 16(2) में। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1953। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं को प्रोन्नति में आरक्षण की शक्ति राज्य को प्रदान की गई है। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा अनुच्छेद 16(4) के खंड क में संशोधन करके प्रोन्नति पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, अनुच्छेद 16(4) के खंड ए में। अनुच्छेद 16(4)ए में शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण का उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 15(4) में। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अधिनियम का आधार है, आर्टिकल 17। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करने वाला संवैधानिक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20(1). दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 20 के सेकंड पार्ट में। किस अनुच्छेद में राज्य को लोक सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों सृजित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 16 में। पिछड़े वर्गों के लिए आयोग स्थापित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19(ए) में बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(बी) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(सी) संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(डी) देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(ई) देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(जी) कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता।
छह तरह की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, संविधान के भाग तीन के उपबंधों से असंगत सभी संविधान पूर्व तथा संविधानोत्तर विधियों को उच्चतम न्यायालय किस शक्ति के तहत असंवैधानिक घोषित कर सकता है? आंसर होगा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? भिखाजी बना मध्य प्रदेश राज्य। क्या कोई व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग सकता है? नहीं त्याग सकता है। संविधान की उद्देशिका में निहित समता का आदर्श किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 14 में है समता का आदर्श। अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उक्त उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 14 में। भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, ये संविधान के अनुच्छेद 14 में उपबंध है। अनुच्छेद 14 में विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से, जबकि विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अमेरिका से, जबकि विधि के समक्ष क्षमता जो है समक्ष क्षमता वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला, विधि के समान संरक्षण वाक्यांश का क्या तात्पर्य है? समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार। विधि के समक्ष समानता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, जिसका उपबंध अनुच्छेद 19 में है। भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता है किस चीज़ का? व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ है? समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच विधि समान होनी चाहिए और समान रूप से लागू की जानी चाहिए। अनुच्छेद 14 के तहत संविधान का कौन सा आधारभूत ढांचा निहित है? विधि का शासन। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 14 में। कथन है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, कारण समान लोगों में विधि समान होगी, विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। मनमानीपन के विरुद्ध संरक्षण को किस अनुच्छेद में प्रत्याभूत किया गया है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में उपबंधित मूल अधिकार किन लोगों को प्रदान किए गए हैं? मात्र नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 15 में उपबंधित मूल अधिकार मात्र नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 15 के प्रथम खंड में क्या उपबंध किया गया है? राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के विरुद्ध कोई विभेद नहीं करेगा। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करने वाली विधि को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अवैध घोषित किया है? नैन सुख बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक स्थानों में नागरिकों के निर्वाध समागम तथा उपयोग का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 15(2) में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15(4) के अधीन राज्य को क्या शक्ति प्रदान की गई है? राज्य सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। और ये अनुच्छेद 15 के अधीन राज्य को शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 का उपखंड 1 एवं 2। लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य में निवास की अर्हता विहित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, अनुच्छेद 16 के उपखंड 3 के तहत। लोक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित करने की शक्ति राज्य को किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 16 के खंड 4 में, उपखंड 4 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की थी? बालाजी बनाम मैसूर राज्य। संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 किन अनुच्छेदों में निहित शक्ति के प्रयोग द्वारा बनाया है? अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 35 में निहित शक्ति के प्रयोग के द्वारा। 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा संविधान में कौन से दो अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 15 के उपखंड 6 को और 16 उपखंड 6 को। किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 103वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम परिवर्तित कर सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 कब किया गया? 1976 में। अनुच्छेद 18 किस प्रकार की उपाधि प्रदान करने की अनुमति देता है? सेना व विद्या संबंधी उपाधि। भारतीय नागरिकों को किस विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार करने का निषेध किया गया है? अनुच्छेद 18(2) में। राज्य के अधीन किसी पद पर आसीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार अथवा पद स्वीकार करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होगी? राष्ट्रपति की अनुमति, अनुच्छेद 18(4) में इसका उपबंध है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि नागरिक अलंकरण देना भारत सरकार ने कब से प्रारंभ किया है? 1954 से। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को। भारतीय नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्याभूत की गई है? अनुच्छेद 19(1) के खंड क में। अभिव्यक्ति शब्द के तहत सम्मिलित है विचार व्यक्त करने के सभी माध्यम जैसे शब्द, लेख, मुद्रण, चिन्ह आदि। अनुच्छेद 358 जिसमें कि राष्ट्रीय आपात के बारे में है, तो अनुच्छेद 358 के लागू होने पर किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के निलंबन का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 19 के द्वारा। अनुच्छेद 358 के लागू होने पर अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के निलंबन का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 15 के 5 को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005। कथन, किसी भी व्यक्ति को हड़ताल करने से रोका जा सकता है। कारण, हड़ताल करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के उपखंड 1 के खंड क के तहत मूल अधिकार नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या है। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। नागरिकों को शांतिपूर्वक तथा निरायुध सम्मेलन का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत किया गया है? अनुच्छेद 19(1) के खंड ख। किस वाद में कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के वाद में। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19(1) के खंड ग में। अधोलिखित कथन सत्य है। अनुच्छेद 300 का संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 344वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अंतर स्थापित किया गया है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) च के तहत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। नेक्स्ट, किस वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया? डी पालराज बनाम भारत संघ के वाद में।
नागरिकों को संपूर्ण भारत में आबाद संचरण का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19 एक के घ के द्वारा। नागरिकों के आबाद संचरण के अधिकार पर निर्बंधन किन अधिकारों पर लगाए जा सकते हैं? साधारण जनता के हित में तथा किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, अनुच्छेद 19 के 5 के तहत। सभी नागरिकों को भारत के किसी क्षेत्र में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उपबंधित की गई है? अनुच्छेद 19 एक के अंग में। नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 19 एक के खंड 6 में। उच्चतम न्यायालय ने 10 जनवरी 2020 को दिए गए अपने निर्णय में किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति एवं व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन की स्वतंत्रता संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है? ये है, उच्चतम न्यायालय ने 10 जनवरी 2020 को अनुच्छेद 19 एक के खंड क तथा अनुच्छेद 19 एक के खंड 6 के अंतर्गत ये कहा है, ये किया है। अगला प्रश्न है, नागरिकों के वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता पर किन युक्त आधारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? जनसाधारण के हित में किसी वृत्ति अथवा व्यापार के लिए आवश्यक वृत्तिक अथवा तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करके तथा नागरिकों को पूर्णतः या भागतः किसी व्यापार अथवा कारोबार से बहिष्कृत करने की शक्ति प्रदान करके, अनुच्छेद 19 छः के तहत। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी है? 3 महीना। मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम को किस अनुच्छेद में प्रतिषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 23 में। किस वाद में ये अभी निर्धारित किया गया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है? SR बुम्बई बनाम भारत संघ। किस सभा को अनुच्छेद 19 एक के खंड ख की सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी? हिंसात्मक अथवा जनशक्ति को भंग करने वाली। नागरिकों के शांतिपूर्वक तथा निरायुध सम्मेलन पर किन आधारों पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं? भारत की संप्रभुता तथा अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में, अनुच्छेद 19 3 के तहत। किस वाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय ने शामिल किया था? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। अनुच्छेद 19 2 में लोक व्यवस्था पदावली किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। प्रेस की स्वतंत्रता तथा जानने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19 1 के खंड क में। आत्म अभिशंसन से संरक्षण का प्रावधान है, अनुच्छेद 20 के उपखंड 3 में। लोक स्थान पर धूम्रपान करना उल्लंघन है, अनुच्छेद 21 का। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को सन्निविष्ट माना है, अनुच्छेद 21 में। किसी व्यापार के राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार को सृजित करने का पूर्ण अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ऐसे व्यक्ति जिन पर अपराध करने का अभियोग है, इसको अनुच्छेद 20 कौन से संविधान संरक्षण प्रदान करता है? ऐसे व्यक्ति जिन पर अपराध करने का अभियोग है को अनुच्छेद 20 कौन से संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और आत्म अभिशंसन से संरक्षण। अगला प्रश्न है, कार्योत्तर विधि यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है? अपराध करने के पश्चात बनाई गई विधि है। कथन है, यदि किसी विधि द्वारा विहित दंड बाद में उस विधि में संशोधित करके कम कर दिया जाता है तो अभियुक्त उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। कारण अनुच्छेद 20 के एकमात्र दंड के बनाए जाने का निषेध करता है, दंड कम किए जाने का नहीं। तो ए और आर दोनों सही और आर ए की उचित व्याख्या करता है। अगला, अनुच्छेद 20 के उपखंड 2 में किया गया उपबंध कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार एक बार से अधिक अभियोजित तथा दंडित नहीं किया जाएगा, आंगल विधि के किस सिद्धांत पर आधारित है? नेमो डेप्ट बिस वेग्जारी पर। नेक्स्ट, अनुच्छेद 359 के तहत किन अनुच्छेदों के संदर्भ में राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निलंबित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है? अनुच्छेद 20 तथा 21 के संदर्भ में।
86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया है? शिक्षा का मूल अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 क के तहत। अनुच्छेद 22 किस अनुच्छेद का पूरक है? अनुच्छेद 21 का पूरक है। अनुच्छेद 22 के अधीन पारित विषयों को किस आधार पर जांचा जा सकता है? अनुच्छेद 21 में विहित युक्तियुक्त तथा उचित प्रक्रिया के आधार पर। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अभी निर्धारित किया है कि तीव्र गति से विचारण यानी स्पीडी ट्रायल एक मूल अधिकार है जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है? हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। अनुच्छेद 22 एक तथा दो में प्रदत्त अधिकार किनको उपलब्ध नहीं है? किसी विदेशी शत्रु को तथा निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को। अनुच्छेद 22 के उपखंड एक तथा उपखंड दो में प्रदत्त अधिकार को किसी विदेशी शत्रु को और निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। किस संविधान संशोधन द्वारा ये उपबंध किया गया है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कथन, अनुच्छेद 22 के उपखंड 1 व 2 का संरक्षण न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। कारण, वारंट के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के पूर्व ही उसके कारण से अवगत करा दिया जाता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निवारक बंदीकरण का उद्देश्य क्या है? अपराध करने से रोकना अथवा निरुद्ध व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने से रोकना। अनुच्छेद 23 का संरक्षण व्यक्ति को किसके विरुद्ध उपलब्ध है? राज्य तथा प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध। अधोलिखित सुमेलित है। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के द्वारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन को निषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 24 में। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह तक। कब तक? 3 महीने तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 22 से। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित करता है? बौद्ध जैन एवं सिखों को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों का कृपाठ धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों का कृपाठ धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रीट को जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेषण। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण यानी सर्टियोररी रीट जारी की जाती है एक अधीनस्थ न्यायालय को, जिससे वो समीक्षा यानी रिव्यू हेतु मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। कथन है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ए और आर दोनों सही और ए का सही स्पष्टीकरण है आर।
जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश। कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में जारी की जाती है? प्रतिषेध, अंतःकरण की तथा धर्म की अबाध रूप को रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 25 में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निर्बंधन का आधार संविधान में कब सम्मिलित किया गया है? 1951 में सम्मिलित किया गया है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। आपातकाल के लागू होने पर मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 358 तथा 359 के तहत। अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल के लागू होने पर मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। किन आधारों पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित हो जाता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों हेतु संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ये अधिकार है। कथन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, कारण संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। अगला, अधोलिखित सुमेलित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव दी बॉडी ऑफ। परमादेश संबंधित है वी कमांड से। अधिकार प्रेक्षा संबंधित है बाई वॉट अथॉरिटी से। उत्प्रेक्षा संबंधित है टू बी सर्टिफाइड से। बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है टू हैव दी बॉडी ऑफ से। परमादेश संबंधित है वी कमांड से। अधिकार प्रेक्षा संबंधित है बाई वॉट अथॉरिटी से। और उत्प्रेक्षा संबंधित है टू बी सर्टिफाइड से। अधोलिखित मूल अधिकारों का सही कालानुक्रम है। ए के गोपाल बना मद्रास राज्य 1950 में बना। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। मिरनवा मील्स बनाम भारत संघ 1980। नेक्स्ट चैप्टर, नीति निदेशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रत्यक्ष किससे जुड़े हैं? आंसर, लोक कल्याण से। नेक्स्ट, राज्य के निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में समाविष्ट किए गए हैं? भाग 4 में है निदेशक तत्व। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। आयरलैंड के संविधान के पूर्व उदाहरण के अतिरिक्त निदेशक तत्वों के लिए मूल प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से। निदेशक तत्व देश के शासन के मूलाधार हैं तथा निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। उक्त घोषणा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 37 में की गई है ये घोषणा। किसी भी विधि को निदेशक तत्वों से असंगत होने के कारण अधिकारतीत घोषित नहीं किया जा सकता है, ये अभी निर्धारण किस वाद में प्रदान किया गया है? मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन में। किस अनुच्छेद को निदेशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म माना जाता है? अनुच्छेद 38 को माना जाता है। मूल अधिकार का निर्वचन करने के लिए भाग 4 के किस अनुच्छेद की सहायता ली जा सकती है? अनुच्छेद 39 की सहायता ली जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 में क्या नवीन उपबंध किया गया है? राज्य विशेषतः आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 38 के उपखंड 2 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39 में। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ये धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है संविधान में किस उपबंध द्वारा सर्वाधिक दर्शित होती है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों के द्वारा। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के किस उपबंध की पूर्ति होती है?
नीति निदेशक तत्वों की पूर्ति होती है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों संबंधी उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य का ये कर्तव्य है कि वो मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करेगा? अनुच्छेद 47 के तहत। नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं और जिसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अंतर्निहित है, ये कथन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। कृषि एवं पशुपालन के गठन से संबंधित उपबंध है अनुच्छेद 48 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 44 में। पंचायत के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना तथा नीति निदेशक तत्वों में। पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, इस तत्व का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39 के खंड घ में। कर्मकारों के स्वास्थ्य तथा शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो एवं आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर के नागरिकों को अपनी आयु एवं शक्ति के प्रतिकूल रोजगार में ना जाना पड़े, इसका उपबंध किस निदेशक तत्वों में किया गया है? अनुच्छेद 39 के खंड अंग में। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नीति निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 39 क नीति निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में जोड़े गए हैं, जिसमें कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 43 क जोड़ा गया है, जिसमें कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना है। अनुच्छेद 48 क, जिसमें कि पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवों की सुरक्षा है। और अनुच्छेद 39 के खंड च, जो कि शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा है। तो अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 48 का और अनुच्छेद 39 का खंड क जो है वो नीति निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 में जोड़े गए हैं। इन्हें भी जानिए। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करने वाले प्रावधान अधोलिखित है। कौन कौन से प्रावधान है? ग्राम पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40 में, दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में, गांवों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में, पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार अनुच्छेद 47 में, 5 कृषि और पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 क के तहत, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, जिसके बारे में उपबंध है अनुच्छेद 50 में। न्यायालय ने किस वाद में केंद्र तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि बाल श्रम को समाप्त कर उन्हें पुनर्वास तथा कल्याण की व्यवस्था करे? MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। किन अनुच्छेदों में विधि शास्त्र के वितरण न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत निहित है? अनुच्छेद 38 तथा 39 में। नेक्स्ट, विधि निर्माण की दृष्टि से वितरण न्याय के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? नागरिकों के मध्य आर्थिक विषमता को समाप्त करना। किस अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया है? अनुच्छेद 39 के खंड घ में, खंड घ के तहत। राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए उचित शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करेगा। ये निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के किस भाग में पंचायत संबंधी उपबंध किए गए हैं? भाग 9 में। बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था तथा निःशक्तता तथा अनहर्य अभाव की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 41 में किया गया है। सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42 में।
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 43 में। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अधीन रखा गया है? अनुच्छेद 43 के खंड क के अधीन रखा गया है। अधोलिखित प्रमुख मामलों में उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक संहिता का पक्ष लिया है, तो वो प्रमुख मामले हैं शाहबानोवाद 1985, सरल मुदगलवाद 1995, पादरी जान बेलम टोमवाद 2003 का। तो ये सारे वाद हैं, शाहबानोवाद 1985 का मामला, सरला मुगदलवाद 1995 का मामला, पादरी जान बेलमटोमवाद 2003 का मामला, ये समान नागरिक संहिता के पक्ष में लिया गया है इन मामलों में उच्चतम न्यायालय ने। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल व 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करने का दायित्व सौंपा गया है? अनुच्छेद 45 के तहत। अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा किए जाने का उपबंध है? अनुच्छेद 46 में। पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 47 में है। गायों तथा बछड़ों और अन्य दुधारू तथा वाहक नस्ल के परिरक्षण के लिए उनके वध का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 48 में किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण राज्य का अधिकार होगा, ये उपबंध किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 49 में कहा गया है। राज्य द्वारा लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक की अपेक्षा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 50 में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में प्रयास करने के लिए कहा गया है? अनुच्छेद 51 में। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। किस विद्वान के अनुसार भारतीय संविधान के भाग 3 तथा भाग 4 संविधान की आत्मा है? ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार। अनुच्छेद 19 के अधीन युक्तियुक्त निर्बंधन निर्धारित करने के लिए किसका महत्व है? निदेशक तत्व का महत्व है। संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट निदेशक तत्व कौन कौन से हैं? 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 के उपखंड 2 राज्य आय की असमानता को कम करेगा तथा प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा। वहीं 46वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 का प्रतिस्थापन 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा संबंधी निवेश है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 97वें संशोधन अधिनियम 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा अनुच्छेद 43 के उपखंड ख में सरकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन संबंधी निवेश हैं। ये है संविधान संशोधन द्वारा समावेश निदेशक तत्व। एक बार इसको पॉज करके इस बॉक्स को आप देख सकते हैं। मूल अधिकार तथा निदेशक तत्व में विरोध होने की स्थिति में सामंजस्य पूर्ण निर्वचन का सिद्धांत किस वाद में अभिधारित किया गया है? द केरल एजुकेशन बिल में। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 ख तथा ग में 39 के खंड ख तथा ग में दिए गए निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्रभावी कर दिया गया है? 25वां संशोधन अधिनियम 1971। वो संविधान संशोधन जिसके द्वारा भूतपूर्व राजाओं महाराजाओं का प्रीवी पर समाप्त किया गया, वो है 26वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। न्यायालय ने किस निदेशक तत्वों को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 के अधीन। किस वाद में ये अभी निर्धारित किया गया है कि भाग 3 के उपबंधों का निर्वाचन संविधान की उद्देशिका तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भों में करना चाहिए? उन्नीकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। चलिए अगला चैप्टर मूल कर्तव्य। सारे ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी में। फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, मौलिक फंडामेंटल राइट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर से, मूल कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 का खंड क किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में समाविष्ट किया गया है?
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या नागरिकों के मूल कर्तव्यों को न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है? नहीं, प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक का बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 के खंड क के तहत। शिक्षा को संविधान में किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना भारत में है, किसमें? मौलिक कर्तव्य में है। अधोलिखित मूल कर्तव्य हैं: प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति को दंड की व्यवस्था कैसे दी जा सकती है? संसद द्वारा विधि बना करके दी जा सकती है। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में कहा गया है। राष्ट्रगान के प्रति आदर के लिए क्या आवश्यक है? मात्र आदर पूर्वक खड़े रहना। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना तथा उसका पालन करना किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों का मूल कर्तव्य बताया गया है? अनुच्छेद 51 के खंड क के ख में कहा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अनुच्छेद 51 क के खंड ग के अधीन नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या बताया गया है? भारत की प्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करना तथा अक्षुण्य बनाए रखना। किस अनुच्छेद में आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना नागरिकों का कर्तव्य उपबंधित किया गया है? अनुच्छेद 51 के घ में। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 क के अंग में। भारतीय नागरिकों से देश की सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने तथा उसका परिरक्षण करने की अपेक्षा की गई है? अनुच्छेद 51 क के खंड च में। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना किस अनुच्छेद के अधीन नागरिकों का कर्तव्य निरूपित किया गया है? अनुच्छेद 51 के खंड छ में किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता अनुच्छेद 51 के खंड ट को जोड़ा गया है? किस संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला चैप्टर है संघ की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। सबसे पहले राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न जो कि बहुत पूछे जाते हैं, कौन सा अनुच्छेद ये उपबंध करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 ये उपबंध करता है। राष्ट्रपति पद के लिए मात्र होने वाले व्यक्ति की क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, उसे कोई लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। तो ये सारी अर्हताएं होनी चाहिए एक व्यक्ति को राष्ट्रपति होने के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? कौन कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पांडिचेरी एवं जम्मू कश्मीर संघ राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्वाचन प्रक्रिया में क्या सुनिश्चित करती है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली एवं संघ क्षेत्र पांडिचेरी की विधानसभा ने सदस्यों को भी शामिल किया गया है? 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अधोलिखित कथन सत्य है?
पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य होना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वो पद पर बना रहेगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? संसद के द्वारा। पदासीन राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर हो जानी चाहिए। अधोलिखित सभी कथन सत्य है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, जो कि अनुच्छेद 361 में है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी चाहिए। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत नहीं है। ये उपबंध अनुच्छेद 74 के उपखंड 2 में है। कथन है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक न्यूनतम कोटा कैसे निर्धारित किया जाता है? न्यूनतम कोटा बराबर कुल वैध मत बटे 2+1 से किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य या संघ क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य बराबर होता है राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या × 1000 के। संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या बराबर होती है समस्त राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की समस्त विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है? तो प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? मतों की संख्या बराबर समस्त राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की समस्त विधानसभा सदस्यों के मत का कुल योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी विधानसभा सदस्य का मत मूल्य ज्ञात करने के लिए जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? वर्ष 1971 की जनगणना के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संबद्ध समस्त विवादों का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है, जिसके बारे में उपबंध अनुच्छेद 71 में है। किस संविधान संशोधन द्वारा ये अभी निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में वर्णित निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है या उसमें कुछ स्थान रिक्त है? 11वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा। राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष की अभी निर्धारित की गई है? 5 वर्ष तक। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित यानी री इलेक्शन हेतु योग्य है? अनुच्छेद 57 के तहत। राष्ट्रपति का त्याग पत्र किसे संबोधित किया जाता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 61 में दी गई है। अगला, व्यक्ति क्रम के अनुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद हैं। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन के द्वारा लाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए प्रस्ताव पर अभियोग लगाने वाले सदन के कुल कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। कथन है, सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है।
इसके बारे में उपबंध है अनुच्छेद 53 के उपखंड 2 में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जा सकती है, किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, जिसके बारे में उपबंध है 108 अनुच्छेद में। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है राष्ट्रपति का। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। राष्ट्रपति किस तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है? पद ग्रहण की तिथि से। अगला कथन है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा के ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण दे रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटेन का राजा वंशानुगत, साथ ही भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगा करके, जिसके बारे में अनुच्छेद 61 में है। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्यों की विधानसभाएं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबी अवधि तथा सबसे कम अवधि तक कार्य किया था किसने? सबसे लंबी अवधि तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक और सबसे कम अवधि के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन 1 वर्ष 11 महीने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान किया गया है कि असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 के तहत। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वो था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देनी आवश्यक है? 14 दिन पहले। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये अभी निर्धारित किया कि राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसका चुनाव करा लेना अनिवार्य है? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से पहले उसका चुनाव करा लेना अनिवार्य है? इन रिप्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अगला, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर यथासंभव कितने समय में चुनाव हो जाना चाहिए? नया चुनाव 6 महीने के अंदर नया चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से से कम मत प्राप्त प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है? 1/6। यदि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है? पद ग्रहण की तिथि से उसका स्थान रिक्त समझा जाता है अनुच्छेद 59 के तहत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष एवं महान्यायवादी में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है? महान्यायवादी करता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले इस बॉक्स में राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल एवं उनकी विशेषताएं दी हुई हैं, उनको कवर करते चलते हैं।
पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 था। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। कार्यकाल के दौरान ही जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। वीवी गिरी का कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक था। वीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाह राष्ट्रपति थे। पांचवे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे कार्यरत। वीवी गिरी का कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। ये द्वितीय चक्र की मतगणना किया था इन्होंने। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 था। कार्यकाल के दौरान फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी। बी डी जत्ती तृतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल आप देख सकते हैं सभी का। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ज्ञानी जैल सिंह जेवी वीटो का प्रयोग किया था इन्होंने। आर वेंकट रमन सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 4 बजे के साथ कार्य किया था, 4 PM के साथ कार्य किया था। डॉक्टर के आर नारायणन प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल वैज्ञानिक थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल था 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। रामनाथ कोविंद द्वितीय दलित राष्ट्रपति बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने समय पश्चात तक लागू रहता है? 6 सप्ताह बाद तक। किस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक को। धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं में आंगल भारतीय समुदाय के नाम निर्देशन को समाप्त कर दिया गया? 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करता है? 12 सदस्यों का, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के कारणों की जांच नहीं कर सकते? लक्ष्मी नारायण बनाम बिहार राज्य मामले में। संसद का सत्र आहूत करना एवं सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटन करना, प्रत्येक सत्र में प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त सत्र को संबोधित करना तथा संसद के किसी सदन को संदेश भेजना राष्ट्रपति की किस शक्ति के तहत आते हैं? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के तहत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए कब पात्र नहीं होता है? जब वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ये भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं होता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के चौथे राष्ट्रपति कार्यकाल के अनुसार जिनकी मृत्यु हो गई थी वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, व्यक्तिक्रम के अनुसार वीवी गिरी। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रांत के थे? ये बिहार से थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तक राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, एक विधेयक यानी एक बिल जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के पश्चात अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किस संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यता स्वीकार करेंगे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित यानी लागू कराने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान आदि की शक्ति है एक न्यायिक शक्ति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। तो कुछ बातें राष्ट्रपति के बारे में विशिष्ट तथ्य हैं। 20 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद के 15वें चुनाव में श्री रामनाथ कोविंद को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ था। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण हुए थे, और एम हिदायतुल्ला वीवी गिरी द्वारा त्यागपत्र के कारण, और बीडी जत्ती ने कार्य किया था। भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी ने जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद एम हिदायतुल्ला वीवी गिरी के द्वारा त्यागपत्र के कारण और बीडी जत्ती ने फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण कार्य किया था। समान नागरिक संहिता को लेकर के भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य मतभेद पैदा हुआ था। सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मतभेद के कारण भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के संबंध में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। भारत के मिसाइल वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधारों संबंधी विधेयक, लाभ के पद संबंधी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु वापस कर दिया था। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक और डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि 1 साल 11 दिन तक काम किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए अब तक कुल 15 चुनाव संपन्न हुए। श्री रामनाथ कोविंद क्रमांक के अनुसार भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, अतः व्यक्तिक्रम के अनुसार ये 14वें राष्ट्रपति हैं। वैसे कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को भी यदि लिया जाए तो अब तक टोटल 17 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति में चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा था? वीवी गिरी, भारत के 4थे राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अधोलिखित की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, जिसके बारे में अनुच्छेद 324 में प्रावधान है, महान्यायवादी की नियुक्ति, जिसके बारे में अनुच्छेद 76 में है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 148 में है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, महान्यायवादी की, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, और वित्त आयोग के अध्यक्ष की। अगला प्रश्न है, किस वाद में न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि यद्यपि अनुच्छेद 74 का उपखंड 2 के अधीन मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श जांच के परे है, किंतु जिन आधारों पर ऐसा परामर्श आधारित होता है वे परामर्श के भाग नहीं होते हैं, अतः उसका न्याय पुनर्विलोकन किया जा सकता है? तो ये जो
अभी निर्धारित किया गया है, ये SR बुम्बई बनाम भारत संघवाद के बाद में किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वही स्थान है जो इंग्लैंड के संविधान में वहाँ के सम्राट का है। वो राष्ट्र का प्रधान होता है लेकिन राष्ट्र का शासक नहीं। सामान्यतः वो मंत्रिपरिषद की मंत्रणा से बाध्य होगा। वह इसकी सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता और ना वो उनकी सलाह के बिना ही कुछ कर सकता है। संविधान सभा में राष्ट्रपति की स्थिति पर उक्त कथन किसका है? डॉक्टर BR अंबेडकर का है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होता है? ये वाद था राम जवाया बनाम भारत संघवाद। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अपने व्यक्तिगत समाधान पर करता है और उसके कार्यों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है? वो वाद है सरदारी लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य न्यायिक अफसरों की नियुक्ति और पदच्युत करने की शक्ति कार्यपालिका शक्ति का है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं? वो वाद है शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद। अगला, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के माध्यम से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत के अनुसार। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में सभी जो कथन है वो सही है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है उपराष्ट्रपति। उसके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसको कार्य का निर्वहन करता है, उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है या फिर पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं के द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? 20 मतदाताओं के द्वारा। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है।